व्यवहार में वैराग्य का उदय होता है। ये जो संसारी लोग हैं उनको तो व्यवहार में वैराग्य चाहिए, यही इच्छा नहीं है। देखो भाई, बात तो ईमानदारी की है ना। कल कारखाने और बढ़ते जाने चाहिए, शोक विलास और बढ़ते जाने चाहिए, दुकान मकान और बढ़ते जाने चाहिए, भोग की सामग्री और बढ़ती जानी चाहिए। और बोले, शिकायत आके करेंगे, महाराज ध्यान नहीं लगता है। अरे तुमको भीतर की चीज चाहिए कि बाहर की चाहिए? बाहर की चीज चाहिए तो भीतर ध्यान कैसे लगेगा? और भीतर ध्यान लगाना है तो जो है सो गोविंद है नमो नमः। भीतर की वस्तु चाहिए तो बाहर का खिंचाव कम होना चाहिए ना। तो केवल ध्यान करने से काम नहीं बनता, प्रीति पूर्वक ध्यान होना चाहिए। यदि बिना प्रीति के ध्यान आप लगा भी लोगे, हम ऐसी युक्ति आपको बता सकते हैं कि बिना प्रेम के ध्यान लग जाए, क्योंकि ध्यान केवल प्रेमास्पद का ही नहीं होता, द्वेषास्पद का भी होता है। जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान थोड़े होता है, और जिससे दुश्मनी होती है उसका भी ध्यान होता है। और कभी कभी तो न प्रेम है न दुश्मनी है, ऐसे भी ध्यान हो जाता है। पर उस ध्यान से जो दुनिया में राग द्वेष है वो नहीं कटेगा। ज्यों कहते हो थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया, शरीर स्थिर कर लिया, आसन बांध लिया, आंख स्थिर कर ली, सांस बराबर कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए मन तो आपका स्थिर हो जाएगा, उतनी देर के लिए विक्षेप मिट जाएगा। और फिर जब व्यवहार में आवेंगे तो वही राग से द्वेष से जैसा व्यवहार पहले होता था वैसे फिर होने लगेगा। तो असल में ध्यान में जो राग द्वेष से रहित है, माने दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता है और किसी से दुश्मनी नहीं करता है। देखो, आप गुरु की सेवा करो, घर में मान लो ब्याह हो गया है, स्त्री है, अपने पति की सेवा करते हैं, लेकिन यदि वो मायके में किसी से प्यार करके आई है या ससुराल में किसी से दुश्मनी उसने कर ली है, तो अपने पति के लिए रोटी बनाते समय भी और बनाने के बाद भी उसको वही जो दुश्मन या प्रीतम है वही सूझेगा। तो ध्यान का फल आपको तब मिलेगा जब प्रीति पूर्वक ध्यान करेंगे। इसी से भक्तों ने ध्यान के साथ परिष्कार कर दिया, परिक्रम कर दिया, उसका ध्यान की सफाई कर दी। प्रीति पूर्वम अनुध्यानम, प्रीति पूर्वक ध्यान करो, प्रीति पूर्वक। तो ध्यान क्या है ये बात आपको कई दिन से सुना रहा हूं। आप वैकुंठ में जाना चाहते हैं क्या? आप भगवान के साथ मिलना चाहते हैं क्या? तो आप पहले भगवान के पास जाने की कोशिश मत कीजिए, भगवान में प्रवेश करने की चेष्टा मत कीजिए। वृंदावन मत जाइए, वैकुंठ में मत जाइए, गोलोक में मत जाइए। आप अपने मन में पहले वैकुंठ को ले आइए, अपने मन में पहले वृंदावन को ले आइए,
अपने मन में भगवान को पहले ले आए, भगवान में अपने आप को प्रविष्ट करने से पूर्व भगवान को अपने आप में प्रविष्ट कर लीजिए। ये आपको ध्यान का गुर बताता हूं। आप देखिए कि आपको बैकुंठ में जाना नहीं है, आपके हृदय में बैकुंठ है। आपको गोलोक के कृष्ण में समाना नहीं है, कृष्ण आपके हृदय में समाया हुआ है। आपके मन की एक एक वृत्ति में, मन के एक एक संकल्प में, मन की एक एक कणिका में कृष्ण समाया हुआ है। माने जो आप पाना चाहते हैं वो यदि दूर है या उसके आने में देर है, तो आप न तो उस दूरी को खुद पार करके वहां पहुंचिए और न तो देरी की कल्पना कीजिए। आप उस चीज को जिसको पाना चाहते हैं अपने हृदय में देखिए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो प्राप्तव्य, आपका जो प्यारा है, उसको आप अपने हृदय में प्रकट होने दीजिए, प्रकट कीजिए। अच्छा, ये क्या है आपको इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम है बैकुंठ की चाबी। बैकुंठ के फाटक में जो ताला बंद है, उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। तो चाबी की जो साइज है ना, उसकी जो डिजाइन है, ठीक, आप एक छोटा बैकुंठ अपने हृदय में बना लीजिए और बैकुंठ का फाटक बिल्कुल खुल जाएगा आपके लिए। आप एक अपने हृदय में श्री कृष्ण बना लीजिए, तो श्री कृष्ण से मिलने में जितनी रुकावटें हैं वो सारी की सारी पार हो जाएंगे। ये ध्यान माने यही, ध्यान माने अपने हृदय को इष्टाकार बनाना। ये मैं सगुण साकार के ध्यान की चर्चा यहां कर रहा हूं, बस इसी का नाम होता है ध्यान। अब एक मोटी मोटी बात आप अपने ध्यान में बैठा लेंगे। आप जब बिल्कुल पवित्र आत्मा हो जाएंगे तब धर्म करेंगे कि नहीं? आप धर्म कीजिए, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के जीवन का फल धर्म नहीं है, धर्ममय जीवन का फल है पवित्र आत्मा होना। धर्म होता है क्रियात्मक और पवित्रता होती है भावात्मक। तो पहले आना चाहिए साधन, पीछे आना चाहिए फल। भगवान को एक बात का बड़ा शौक है, जैसे हमारा फोटो कहीं से जब खींच के आता है तो उसको देखने में हमको आनंद आता है। असल में हम अपने अंतःकरण में भी अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप का ही फोटो देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं। ऐसे बिल्कुल ईश्वर को भी अपना फोटो देखना बहुत पसंद है। आप चाहे रेखा चित्र खींचिए, चाहे रंगीन तस्वीर बनाइए, आप अपने हृदय के कैमरे में भगवान की एक फोटो खींच लीजिए, तो भगवान कहेंगे कि भाई इस कलाकार ने, इस कारीगर ने हमारी कैसी फोटो खींची है, आओ इसको देखें। तो ध्यान का अर्थ यही होता है, आपके हृदय में कोई कागज नया नहीं लगाना पड़ेगा, कोई फिल्म नहीं भरनी पड़ेगी, कोई रंग नहीं डालना पड़ेगा, कोई तूलिका, कोई कलम और रंग नहीं लेना पड़ेगा। आप केवल देखिए भर कि आपके हृदय में जो उपादान पहले से मौजूद हैं, जो मसाला पहले से है, जो मैटर पहले से है, उसी मैटर में और बिना किसी रंग रोगन के लगाए एक मूर्ति बन गई है।
और वो मूर्ति कैसी बननी चाहिए, योग वासिष्ठ में इसका बहुत वर्णन आता है। तो एक पत्थर से मूर्ति बनाने वाला कोई कलाकार था और बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ में गया। वहां उसने देखी एक शिला और शिला देख के उसने अपने मन में सोचा कि अगर यहां से इतनी शिला को काट के निकाल देंगे तो ऐसी मूर्ति बन जाएगी, आंख ऐसी बनेगी, सिर ऐसा बनेगा, मुंह ऐसा बनेगा, नाक ऐसी बनेगी, कान ऐसा बनेगा, माला यहां से निकालेंगे हाथ दोनों ऐसे होंगे, और बड़ी बड़ी उंगलियां होंगी, वो वक्षस्थल उभरा हुआ होगा। अब उसने मन ही मन वो चट्टान को देखना शुरू किया कि कहां कहां छेड़ के इस शिला में मूर्ति बनानी है। ये जब ध्यान से उसने शिला को देखना प्रारंभ किया तो थोड़ी देर के बाद वो शिला दिखना बंद हो गया। उसको तो ऐसा दिखने लगा जैसे उस शिला में मूर्ति बन गई हो। उसको ऐसा लगे कि क्या बढ़िया भाव बनी है, क्या बढ़िया आंख बनी है, क्या बढ़िया मुस्कान है, उसको तो दांत चमकने लग गए हो, है ना, होठों की लाली बारंबार उसके मन को लाल कर जाए। तो ये जैसे एक घन शिला में जैसे मानसिक मूर्ति को खोद करके शिल्पकार परमानंद को प्राप्त होता है, इसी प्रकार आप अपने आत्म चैतन्य में, अपने मानस चैतन्य में, मन प्रतिबिंबित चैतन्य के प्रकाश में अपने मन के मसाले से एक मूर्ति बनाइए। उसको चलते देखिए, उसको हंसते देखिए, उसको छूते देखिए, उसको वरदान देते देखिए। केवल मैटर ही मैटर मत देखिए, उसकी क्रिया भी देखिए और उसमें जो भाव है उसको भी देखिए। प्रीति पूर्वक जब आप अनुध्यान करेंगे तो आपके हृदयाकाश में, पहले ही बताया कि जो लटका हुआ कमल है वो ऊपर को हो जाएगा और जो बंद है वो खिल जाएगा और आप देखेंगे कि उसकी कर्णिका पर आपके प्यारे भगवान खड़े हैं। आप मन ही मन बनाइए और ये दुनिया बिल्कुल मन ही मन बनाई हुई है। ये जितनी दुनिया है ये सारी की सारी अगर मन की बनाई हुई न होती तो सपने में ज्यों का त्यों दिखाई पड़ते। जैसे सपने की दुनिया जागृत में नहीं और जागृत की दुनिया सपने में नहीं, ठीक इसी प्रकार आप एक ऐसा ध्यान बनाइए जो गृहीत ग्रहण रूप न हो, श्रुत ग्रहण रूप हो। अब ध्यान का फर्क लीजिए, जो आपने संसार में इंद्रियों से अनुभव किया है उसको आप ध्यान में मत दोहराइए। आपने जो अपने इष्ट के बारे में श्रवण किया है, परम प्रामाणिक वेद शास्त्र उपनिषद सद्गुरु संत महात्मा के द्वारा जो आपने श्रवण किया है, उस श्रवण के अनुसार आप अपने हृदय में एक मूर्ति का दर्शन कीजिए। इसी का नाम ध्यान है। और इंद्रियों के ग्रहण के द्वारा यदि ग्रहण करेंगे तो वो स्वप्नवत होगा, लेकिन शास्त्र के द्वारा श्रुत यदि आप अपने हृदय में बनावेंगे तो अज्ञात ज्ञापक होगा। एक मूर्ति का एक एक रहस्य नारायण आपको क्या सुनावे। कितनी बड़ी वो मूर्ति होगी जिसके गले में त्रिगुणमयी माया वनमाला बनकर लटक रही है। कितनी गहरी होगी वो नाभि जिसमें एक कमल प्रकट होता है रोए की तरह और उसमें चतुर्दश भुवन और ब्रह्मा पैदा होते हैं और ब्राह्मी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कितनी गहरी होगी वो नाभि। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम ये भगवान की क्रिया शक्ति का वर्णन है। भगवान आपके हृदयारविंद पर दहर पुंडरीक में ब्रह्मपुरी में, छांदोग्य उपनिषद में उसको कहते हैं ये हृदय क्या है कि ये ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी
उसमें एक अरम्मदीय नाम का सरोवर है और उसमें एक दहर पुंडरीक है और उस पुंडरीक की कर्णिका पर हृदय आकाश के प्रकाश में आपको अपने परमेश्वर का दर्शन हो रहा है। वर्णन किया कि वो कैसा है कि जब वो आंख खोल के देखता है तब सारी सृष्टि उसको दिखने लगती है और अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख करके मुस्कुरा देता है तो सब प्राणी उसके सामने नाचने लगते हैं और इतने से ही वो परम सुकोमल जब श्रांत होकर आंख बंद कर लेता है तो सारी सृष्टि का लोप हो जाता है। ऐसा परमेश्वर आपको ये जानना जरूरी है कि जिसका आप ध्यान करते हैं वो केवल छोकरा नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर है। महात्म्य बुद्धि होने से आप जिसको देखते हैं, गुरु के संबंध में तो एक ऐसी बात भागवत में कही गई है, सातवें स्कंध में देखना हो, जोगेश्वरैर विमृग्यांग्रिम समयम मन्यते नरम। बड़े बड़े जोगेश्वर जिनके चरणारविंद को ढूंढते रहते हैं कि हमको मिल जाएं, वो वशिष्ठादि के भी पूज्य हैं, उनको ये बेवकूफ दुनियादार का मनुष्य मानता है। मनुष्य यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य मन्ये कुंजर शौचवत्। ज्ञान का करके परम तत्व को अपने आत्मा को परब्रह्म बताने वाले साक्षात भगवान को जो मनुष्य मानता है उसका सारा ज्ञान ध्यान हाथी के स्नान के समान है, जैसे हाथी नहाकर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ये सातवें स्कंध में है। इसी प्रकार भगवान की जिस मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं वो मूर्ति पत्थर की बनी हुई नहीं है, वो जड़ता की बनी नहीं है, वो साक्षात जिनमात्र परमेश्वर में वो एक आकृति दिखाई पड़ रही है। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम का अर्थ क्या है? दीर्घ भी कहा और चारु भी कहा हो और चतुर्भुज भी कहा, तो संसार में जो चार प्रकार की क्रिया हो रही है, तो शरीर से जो भौतिक क्रियाएं होती हैं वो संकर्षण के द्वारा प्रेरित हैं और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो अनिरुद्ध के द्वारा प्रेरित हैं और जो सांस्कारिक क्रियाएं होती हैं वो प्रद्युम्न के द्वारा प्रेरित हैं और जो बुद्धियात्मिक बौद्ध क्रियाएं होती हैं वो वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित हैं। तो ये जो चारों देवता आपके हृदय में बैठ करके चार प्रकार के कर्म करवा रहे हैं, सबके हृदय में बैठ करके, ये भगवान की भुजा क्या है? बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी है माने सब जगह भगवान के हाथ हैं। और दीर्घ चारु, चारु माने सुंदर हैं, इसका अर्थ है कि जो कुछ उनके हाथों से हो रहा है वो सब सुंदर हो रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए, आप कहीं भी हो, रण में हो या रन में हो, होता है ना रन, हम द्रांगद्रा के पास गए थे तो लोग बोलते ये कच्छ की तरफ, ये कच्छ का रन है, रेणु है, रेणु का है, रन है। तो चाहे आप रण में हो चाहे रेणुका में हो, चाहे रण में हो चाहे अरण्य में हो, चाहे वन में हो चाहे भवन में हो, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप भगवान की बाहुओं के भीतर हैं। दीर्घ कहने का अभिप्राय ये हुआ, आप निश्चिंत हो जाइए, हर हालत में भगवान के बाहु आपके रक्षक हैं, जहां भी हो आप विश्वास कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र होकर अपने को भगवान में लगाइए। ये है भगवान की बाहु की दीर्घता, निर्भय हो जाइए, तब आपको भगवान की लंबी बाह का पता चलेगा। आप जहां कहीं हैं और आपका जो कुछ भी चाहे जहां कहीं है, चाहे जब है जहां कहीं है, जो कुछ है और आप जो कुछ हैं, सबकी रक्षा के लिए भगवान की बाहें बड़ी लंबी लंबी भगवान की बाहें हैं।
तो आप कहीं भी रहिए, बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, बेफिक्र रहिए। अब एक दूसरी बात देखिए, चारू, चारू का अर्थ है कि भगवान के हाथों से जो काम हो रहा है वो सुंदर हो रहा है, चारू सौंदर्य है उसमें। अरे जिससे प्रेम हो जाता है महाराज, है ना? हाँ, वो टेढ़ी आंख करके देखे चाहे काट ले, दूसरे की उठाई हुई उंगली बुरी लगती है और अपने प्यारे का काट लेना अच्छा लगता है। ये क्या आपको नहीं मालूम है? ये तो मालूम है आपको। तो चारु का अर्थ है जिसने भगवान को आनंद रूप से जाना, जिसने भगवान को आनंद रूप से जाना उसको महाराज यदि खाण का शेर बना करके आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप डर जाएंगे? और खाण का सांप बनाया गया हो तो चूंकि वो खाण से बना हुआ है इसलिए वो सांप भी मीठा लगेगा और वो शेर भी मीठा लगेगा। तो भगवान की आनंदमय हाथों से कभी दुख की सृष्टि नहीं होती। आप एक तो निर्भय हो जाइए क्योंकि उनकी बाहें लंबी हैं, और दूसरे हर हालत में उनके सौंदर्य की जो सृष्टि है उसको निहारिए, ये ध्यान है। और चारों ही प्रक्रिया में, चाहे वो विश्व की हो स्थूल सृष्टि में, चाहे तेजस की हो सूक्ष्म सृष्टि में, चाहे प्राज्ञ की हो कारण सृष्टि में चतुर्भुजा, और चाहे तुरीय की हो आत्मरूप से, सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है, सब परमेश्वर की ही लीला हो रही है, सब रूप में उसको पहचानिए, सब जगह भगवान रक्षा करेंगे। एक और, भगवान जो कुछ करते हैं वो बड़ा सुंदर और मधुर है। दो है, और सर्वत्र भगवान विराजमान है, ये तीन। और चौथी बात है महाराज, भुजाम भोक्तारम यज्ञ तपसा, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम। भुज धातु जो है वो दो अर्थ में होती है, भुजा काय के लिए है, अरे बाबा मच्छर आंख में घुसने लगे तो हाथ से उसको उड़ा दो, रक्षा करने के लिए हाथ होता है ना। और थाली में से ग्रास को उठा के मुंह में डालने के लिए होता है। तो भोजन और रक्षण भुजो न बने, सूत्र ही है महाराज। तो जो भुज धातु है उसके दो तरह के रूप बनते हैं, भुंगते भुंजाना, भुनक्ति भुनक्ति भुंजन, भुनक्ति की भुंगते, भुनक्ति माने रक्षा कर रहा है और भुंगते माने खा रहा है। भुजा का क्या अर्थ है, ये हाथ हमारा क्या काम करता है? सांप आवे तो लेके डंडा मारेगा, दुश्मन को लेके डंडा मारेगा हमको बचावेगा, मच्छर को हटा देगा हमको बचावेगा, मक्खी को उड़ा देगा हमको बचावेगा। हाथ दो काम करता है, एक बचाने का काम और एक भोजन डाल करके मुंह में हमारी पुष्टि देता है। अब आपको भगवान की भुजा का ध्यान करना है, बोला। तो भगवान हमें अनिष्ट से बचाते हैं और हमको पुष्टि देते हैं, हमको देख देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। चतुर्भुज भगवान का ध्यान कीजिए, कल सुनाया था चार अंतःकरण के भेद से, चार उपास्य देवताओं के व्यूहों के भेद से और चार औपाधिक चित्त तत्व के भेदों से भगवान की भुजा चार बताई गई है। एक अलौकिक, एक विलक्षणता आ जाती है उसमें। चार पांव का पशु और चार हाथ का देवता, और मनुष्य न पशु की तरह चार पांव का है न देवता की तरह चार हाथ का है,
ये पशु से अच्छा है, इसमें पशुत्व है तो केवल आधा ही है, और नारायण है ना, इसमें देवत्व भी है तो केवल आधा ही है, आधा देवत्व और आधा पशुत्व दोनों के मिश्रण से ये मनुष्य बना हुआ है। माने इसमें बुराई भी है और इसमें भलाई भी है, इसका अर्थ हुआ इसमें भलाई भी है इसमें बुराई भी है। तो आपको बुराई की ओर जाना है तब पशुत्व को बढ़ाइए अपने जीवन में, और देवत्व की ओर जाना है तो देवत्व को बढ़ाइए अपने जीवन में। तो जब देवत्व का ध्यान करेंगे आपका हृदय देवाकार हो जाएगा, तब आप देवता हो जाएंगे, और देवो भूत्वा देवम यजेत। और आज लंबे लड़के होते हैं तो कहते हैं हम नाटी लड़की से शादी नहीं करेंगे, है कि नहीं? और लंबी लड़की हो तो बोलेगी कि हम नाटे लड़के से शादी नहीं करेंगे। समानता चाहिए ना, तो चार हाथ का देवता होए तो कहेगा पहले तुम भी चार हाथ के बन के आओ तब हमारे साथ जुड़ो। तो हम चार हाथ के देवता कैसे बनेंगे? जब हमारा ध्यान ऐसा हो जाएगा कि हमारा अंत शरीर नहीं मिलता भगवान से, शरीर नहीं जुड़ता है मन जुड़ता है, तो मन को ध्यान करके चतुर्भुज बना दो। तो जब तुम्हारा शरीर भी दिव्य हो जाएगा तब चतुर्भुज चतुर्भुज से मिल जाएगा। लक्ष्मी भी चतुर्भुज है और नारायण भी चतुर्भुज है, गौरी भी चतुर्भुज है और शिव भी चतुर्भुज है नारायण। तो देवता होकर आप देवता से मिल सकते हैं। इसलिए दीर्घता माने सर्वत्र निश्चिंत रहिए, चारुता माने सर्वत्र भगवान के सौंदर्य का अनुभव कीजिए, चतुष्टय माने सर्वव्यापक रूप में भगवान का अनुभव कीजिए, और भुजा माने उनके द्वारा अनिष्ट निवारण और इष्ट प्रापण का इसका अनुभव कीजिए। एक बात और आपको भुजा के संबंध में सुनाते हैं। ये जो लोग साकार पर आक्षेप करते हैं उन्होंने क्या कभी 5 मिनट बैठ के साकार के बारे में कुछ सोचा है? कभी ध्यान किया है? क्या उसका रहस्य समझने की कभी कोशिश की है? असल में निराकार जो है वो एक आकार है, क्योंकि वो और आकारों से जुदा है, तो और आकारों से जुदा होते ही निराकार भी एक आकार हो जाता है। तो निराकार को पकड़ने का ढंग क्या है कि जब अनेक आकार में विद्यमान एक वस्तु को देखेंगे तब निराकारता समझ में आवेगी। सोना कंगन है कि हार है कि कुंडल है? बोले जिसमें ना हार ना कुंडल ना अंगूठी वो सोना। बोले ऐसा सोना तो हमने कहीं देखा नहीं जिसमें सिल्ली नहीं जिसमें द्रव नहीं। आप जानते हैं ना, बिना आकार वाले को पहचानने के लिए अनेक आकारों में जब उसको देख लेंगे तब आकारों से विलक्षणता उसकी मालूम पड़ती है। आपके ध्यान में ये बात ना आई हो तो आप दूसरी तरह से इसको समझ लीजिए। एक बाप ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा हमारा तुम ये काम कर दो तो तुमको मिठाई देंगे। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी। उसने काम कर दिया। अब उसने लाके अपने बेटे को पेड़ा दिया। उसने कहा कि नहीं बाबूजी हमको पेड़ा नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा हमको मिठाई चाहिए। अरे बाबा ये मिठाई है। कहा बोले हमको नहीं नहीं ये तो पेड़ा है ये मिठाई नहीं है। अब बर्फी लाके दिया महाराज, रसगुल्ला दिया है, जलेबी दिया। बोले कि नहीं नहीं ये मिठाई नहीं है। मिश्री दी, शक्कर दिया। तो बोले कि ये तो चीनी है ये मिठाई कहाँ है? का गुड़ दिया। कहे तो गुड़ है ये मिठाई कहाँ है? तो देखो असल में मधुर रस जो है वो अपने में निराकार है। यदि आप बिना आधार के निराकार को ढूंढने लगोगे तो न वो इंद्रिय में मिलेगा न मन में मिलेगा न ध्यान में मिलेगा। व्यास जी ने तो माफी मांगी है बोला योग दर्शन के भाष्य में। तब जब बच्चा ये समझ जाएगा कि चाहे शकल पेड़े की हो और उसमें मावा की उपाधि लगी हो
और चाहे सकल जलेबी की हो और उसमें मैदा की उपाधि लगी हुई हो, हैं? और चाहे सकल खीर की हो और उसमें चावल चावल की उपाधि और दूध की उपाधि लगी हुई हो, लेकिन सब में जो मिठास एक है उसका नाम है मिठाई, बोला? तो राजवंशावतंश की उपाधि भरे लगी हुए होए, उसमें है निराकार, और अहीर वंशावतंश की उपाधि भरे लगी हुई होए, उसमें है निराकार, बोला? लक्ष्मीपति की उपाधि भरे लगी हुई हो पर उसमें है निराकार, और गौरीपति की उपाधि भरे लगी हो उसमें है निराकार। निराकार को पकड़ने के लिए, बच्चे को मिठाई प्राप्त करने के लिए, जैसे एक नाम और एक रूप में जो मिठास है उसका आस्वादन करना पड़ेगा, और फिर और यदि सब नाम रूपों से उसको जुदा कर दें तो मिठाई नाम की चीज आस्वाद्य नहीं होगी। तो इसी प्रकार ये जो आप ध्यान करते हैं, ये ध्यान जो है ये है तो साकार, परंतु इसमें निराकार जो है वो जब ये देखेंगे, ये हमारे पांच आकार बना करके पंच देवता की उपासना करो, ये बहुदेव, ये ना ये बहुदेव उपासना नहीं है, हो कर ये हिंदुस्तानी लोग तो जानते ही नहीं थे कि ईश्वर एक होता है और अनेक की उपासना करते हैं। असल में निराकार को पकड़ने की युक्ति ही यही है कि अलग अलग आकृतियों में जब एक को पहचान लोगे तब आकृतियों से विलक्षण पहचाना जाएगा, यही साकार का ध्यान है। तो उसमें मुख क्या है, भुजा क्या है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यही बाहु ध्यान की, भगवत बाहु जो है वो बाहु क्या है। लो आपको निराकार की एक और बात आपको सुनाते हैं। काहे में, कार में जो लोग महाराज केवल रुंझुन रुंझुन सुन के ही, हम मुंह से तो बोलते हैं रुंझुन रुंझुन, तो कान में थोड़ा मीठा लगेगा ना। खंजान, मंजान, रंजान, संजान, है ना, ऐसा शब्द हम बोले तो आपके कान को बड़ा मीठा लगेगा। परंतु केवल कान को मीठा लग जाना यही तो ईश्वर की पकड़ नहीं है ना। आप को देखो साकार भगवान के भाव में क्या विलक्षणता है। ब्रह्म चतुष्पाद है और नारायण चतुर्भुज है। नारायण चतुष्पाद नहीं है और ब्रह्म चतुर्भुज नहीं है। त्रिपादस्यामृतं देवी पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी स्वयं आत्मा चतुष्पाद। संहिता भाग में भी पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी ये संहिता भाग में है, और उपनिषद भाग में भी स्वयं आत्मा चतुष्पाद है। क्या अर्थ हुआ, क्यों ब्रह्म चतुष्पाद है और नारायण चतुर्भुज है, कभी आपने इस पर विचार किया होगा? ब्रह्म के चतुष्पाद कौन है? विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तुरीय ब्रह्म, ये चतुष्पाद है। वो केवल अनुभव किया जाता है प्रपदन मात्र ही, प्रतिपत्ति मात्र ही वहां होती है, प्रतिपदन है उसमें, प्रतिपदन माने पद है, वो प्राप्तव्य पद है, फलात्मक हैं विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ब्रह्म। स्थूल समष्टि से उपहित चेतन, सूक्ष्म समष्टि से उपहित चेतन, कारण से उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य, ये उनका चारों का भेद है, ये चतुष्पाद है। अब चतुर्भुज क्या है, देखो स्वरूप की दृष्टि से वो पद है, परम पद है, और शक्ति की दृष्टि से चतुर्भुज है। उपासना जो होगी वो शक्तिमान की होगी, शक्तिमान की, बिना शक्तिशाली हुए लोग उपासना असक्त की नहीं करते हैं, हो विद्वान की उपासना करते हैं कि विद्या देगा, तपस्वी की उपासना करते हैं कि वरदान देगा, है महात्मा की उपासना करते हैं कि आशीर्वाद देगा, राजा की उपासना करते हैं
ये हमारे व्यापार में मददगार होगा, शक्तिशाली की उपासना होती है। तो ये जो पूजा है ये शक्ति का प्रतीक है, और जो पद है वो गति का प्रतीक है। बोला पद जो है वो गति का प्रतीक है, और भुजा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद अपेक्षित है, चतुष्पाद, और त्राण प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भुजा की शक्ति अपेक्षित है। शक्ति, शक्तिमान की भक्ति होती है। बोला शक्तिमान की भक्ति होती है, और जो पद रूप है, परम पद रूप है, उसकी अनुभूति होती है, परम पद की अनुभूति होती है। स्वरूप प्रधान में पद होता है, त्वम पदार्थ प्रधान में पद होता है, और तत्पदार्थ प्रधान में, तत्पदार्थ प्रधान में शक्ति होती है। जब उपासना करनी होगी तो वो चतुर्भुज होगा, और जब विवेक करना होगा तब चतुष्पाद होगा। चतुष्पादत्व आत्मगामी है, और चतुर्बाहुत्व ईश्वरगामी है। यही तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के विवेक में सहायक है। नारायण, आप देखो, चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम सुचिस्मिताम। देखो मुखारबिंद पर ध्यान दे रहे हैं, सुमुखम समम प्रतांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम। तो अब देखो, सुचारु सुंदर ग्रीवम कंधे के ऊपर है, बोला बाहु, बाहु से ऊपर आते हैं, तो सुमुखम कह दिया और चतुर्बाहु चतुर्भुजम कह दिया। अब दोनों के बीच में सुमुख और भुजा, दोनों के बीच में क्या है, कई ग्रीवा है, ग्रीवा। सुचारु सुंदर ग्रीवम, ज्ञान प्रधान मुख है और क्रिया प्रधान भुजा है, और दोनों को बीच में जोड़ने वाली जो स्थिति है ना, उसको बोलते हैं ग्रीवा। तो ये ग्रीवा कैसी, गर्दन कैसी है भगवान की, सुचारु सुंदर ग्रीवम। ग्रीवा के दो विशेषण दिए, एक सुचारु और एक सुंदर। एक तो बनावट उसकी बहुत अच्छी है, और दूसरे नेत्र और मन को आकृष्ट करने वाली उसकी शक्ति है। और उसके बाद बताया कपोल, कपोल बड़े सुंदर हैं, ये कपोल भी बहुत बढ़िया चीज है। ये संस्कृत भाषा में पोल शब्द जो है ना, पोल, ये वैसे तो पुल है, पुल जिस धातु, पुल धातु है, संस्कृत भाषा में पुल धातु है, उसी पुल धातु से पोल शब्द बनता है। और ये महाराज क जो है ना, क माने से, अच्छा, उसके नीचे ये पुल के रूप में, ग्रीवा और सिर के बीच में पुल के रूप में है, इसलिए कपोल है। नहीं नहीं, आप अपने मुंह में जब क लेते हैं ना, क माने पानी, तो उसके रखने की पोल मुंह में क्या है, कि यही कपोल का जो भीतरी हिस्सा है ना, कि यही है। कोई कोई कपोल कल्पित शब्द का भी तो प्रयोग करते हैं ना, कपोल कल्पित माने जवानी जमा खर्च, जैसे बोलते हैं उर्दू में, ये चीज नहीं है, जवानी जमा खर्च है। ऐसे संस्कृत के पंडित जो होते हैं वो कपोल कल्पित बोलते हैं। कपोल कल्पित माने विकल्प मात्र, जवानी जमा खर्च। तो अब देखो, कपोलम सुकपोलम और सुचिस्मिता, बिल्कुल पास से लेकर के सिर तक घूम रहे हैं। तो सुचिस्मितम का क्या अर्थ है, कि मुस्कान पवित्र है। आप जिसका दर्शन कर रहे, वैसे पत्थर की मूर्ति में भी आपको मुस्कान तो दिखती है, और नारायण तस्वीर जो बनाते हैं उसमें भी मुस्कान दिखती है,
परंतु ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान एक चेतन पुरुष जब अपने आनंद को बिखेरता है तब स्मित मुख पर आता है। नेत्र जो है ये ज्यादा करके ज्ञान को फेंकता है, भला नेत्र ज्ञान को फेंकता है, विकीर्ण करता है, बिखेरता है, रात रात ज्ञान को विकीर्ण करता है, और मुस्कान जो है वो आनंद को बिखेरते हैं। और ये दोनों जब एक हो जाते हैं, मुस्कान और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं, तब सोचो आप क्या होता है, तब प्रेम बरस पड़ता है। वो इसी से बोलते हैं प्रेम भरी चितवन से युक्त मुस्कान, माने ज्ञान आनंद में आ गया, मुस्कान में आ गया, और मुस्कान ज्ञान में चली गई, और कपोल रक्तिम हो गया। उसके बाद मकराकृति कुंडल का भी वर्णन है, बोला मकराकृति कुंडल का भी वर्णन है, देवड़ी देवड़ी लसत निशान। तो ये मकराकृति कुंडल क्या है, कम मानो काम जो है वो तो हृदय में प्रविष्ट हो गया, और अपना जो चिन्ह है ध्वजा, मछली है ना, तो वो मीन की ध्वजा जो है वो कानों में छोड़ गया और स्वयं वो हृदय में प्रविष्ट हो गया। तो ये जो मछली है, मकर है, ये कपोल पर प्रतिबिंबित होते हैं। अब आप ध्यान करें तो आप देखो, आपको एक बात और, अभी तो इसका भाव आपको बताना है, भाव बताना है कि सुचारू सुंदर ग्रीवा का अर्थ क्या है, सुकपोल का अर्थ क्या है, और ये जो सुचिस्मित है, सुचिस्मित का अर्थ आप ये देख लेना, कभी कभी कुटिलता से मुस्कुराते हैं, किसी का उपहास करने के लिए कभी कभी तो ऐसे भी मुस्कुराते हैं कि अच्छा आज बोल लो बच्चों, है ना, कल हम तुमसे समझेंगे, है ना, ऐसे भी मुस्कुराते हैं वो। कभी कभी मन में गुस्सा आता है तो उसको दबाने के लिए भी मुस्कुराते हैं, और कभी कभी काम वासना से चित्त कलुषित हो जाने पर मुस्कुराते हैं। तो काम कलुषित मुस्कान और क्रोध कलुषित मुस्कान, ये आवाज में भी आता है, आवाज बताती है कि इसके भीतर क्रोध है कि काम है कि लोभ है, आवाज भी बताती है और मुस्कान भी बताती है। तो सुचिस्मितम कहने का अभिप्राय है कि भगवान की जो मुस्कान है उसमें न काम है न क्रोध है न लोभ है, शुचि माने पवित्र है, पवित्र मुस्कान माने आत्मीय भाव से तुम अपने हो, इस भाव से देखकर तुमको मुस्कुराते हैं। तो भगवान भृत्यानुग्रह कातर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी ही पलकें भी, देवताओं की पलकें हिलती डोलती नहीं है, पर भगवान की पलकें हिलती डोलती हैं वो, क्योंकि उनको दैत्यों से अपने को अलग करने के लिए पलकों को निर्निमेश करने की जरूरत नहीं है, है ना, वो उनकी पलकें भगवान की चलती हैं, पुतलियां उनकी घूमती हैं, और भौहें उनकी मटकती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, और कपोलों पर भाव की छाया आती जाती है, और ये मकराकृति कुंडल हिलते हैं, और होठ जो हैं वो कभी कभी खिलते हैं, और होठों की लाली से सफेद दांत भी कभी कभी लाल मालूम पड़ते हैं, भला, और कभी कभी महाराज प्रेम से उनकी जिह्वा के भी दर्शन हो जाते हैं, और उनकी नासिका, तो ऐसा समझो कि उनका जो, अब देखो ऐसे सुंदर हो तुम कि भगवान की आंख भी तुमको देखने के लिए व्याकुल रहती है। उधर से ही मत देखो कि भगवान बड़े सुंदर हैं, हम उनको देखते हैं, अरे भाई हम भी कुछ हैं, बोला हाँ, हमको देखे बिना भगवान से नहीं रहा जाता, हमको देखकर वो मुस्कुराते हैं, हमको देखकर उनकी भावें मटकती हैं, और जब उनकी टुड्डी हिलती है तो दोनों कुंडल भी हिल जाते हैं, और उनकी नासिका में जो बुलाक है महाराज, है ना, वो एक मुक्त पुरुष ही तो है ना, सुगंध का मोती बन करके
और उनकी नासिका में जा लटका, बोला सुगंध की मोती बन करके, एक वो जीव ही तो है ना जो पद्मराग मणि बनकर उनके गले में जाके चिपक गया, ऐसा ये भगवान का जो श्री विग्रह है कि ये आपके ध्यान की वस्तु है। व्यास जी ने स्वयं योग भाष्य में ये बात कही कि हमने इन सब का वर्णन किया है महाराज, ऐसे कहा हो, ऐसे कहा कि हमने इस साकार रूप का वर्णन किया है, तो कहीं आपकी शान के खिलाफ तो कभी कहीं नहीं हो गया, ऐसे हो, ऐसे वर्णन किया है, कहीं आपकी शान के खिलाफ तो नहीं हो गया। असल में भक्ति माने क्या, प्रीति माने क्या, भगवान हमारे भोग्य हो जाएं और हम भगवान के भोग्य हो जाएं, हमारी सुगंध से भगवान तृप्त हो और भगवान की सुगंध से हम तृप्त हो, उनकी सुगंध से हमारा नाक और हृदय भर जाए और वही सुगंध ऐसी लौट करके निकले कि अपनी सुगंध सूंघ के भगवान मुग्ध हो जाएं, उनकी रूप राशि का ध्यान करते करते हम तन्मय हो जाएं और अपने ही सौंदर्य को हमारे अंदर देख करके भगवान उस पर लुभा जाएं, भगवान की बंसी ध्वनि उन्हीं के मुख से निकल के हमारे कान में घुसे और हमारे शरीर में भर करके ऐसी उछले कि उसी बंसी ध्वनि को सुन करके भगवान ये न कहें हमारी है, ऐसे बोलें कि वो हो इसकी स्वर लहरी कैसी है, तो भगवान हमारे भोग्य हो जाएं और हम भगवान के भोग्य हो जाएं, हम भोक्ता की भगवान भोक्ता कहीं इसका विवेक ही न रहे, हम भोग की भगवान भोग्य कहीं इसका विवेक न रहे, जहाँ भोक्ता भोग्य हो जाए और भोग्य भोक्ता हो जाए, क्योंकि जब चेतन होगा ना तो भोग्य भी भोक्ता होगा नारायण और भोक्ता भी भोग्य होगा, जब चेतन ही चेतन सब है तब ये चेतन में स्फुरणा मात्र है भोग भोक्ता और भोग्य, और इस भोक्ता और भोग्य के ध्यान से होता क्या है कि ये जो जड़ जगत है, जड़ जगत ये कहीं दूर छूट जाता है, कहीं पीछे छूट जाता है तो काल में छूट गया, कहीं दूर चला गया तो देश में छूट गया, और कहीं भगवान के ध्यान में हम ऐसे मग्न हो गए तो जड़ता नहीं रही, तो ये ध्यान जो है ये मनुष्य को जड़ से चेतन बनाने वाला है, ये दुख से सुख में ले जाने वाला है, ये आकृतियों में जो राग द्वेष है उससे मिटा करके सत्य में स्थित करने वाला है, और ये जीव और ईश्वर को एक में मिलाकर महाराज ऐसी खीर बनाता है, ऐसी खीर जिसमें चावल का पता न लगे, कि जिसमें चावल का पता न लगे ऐसी खीर बना देता है, तो ये इसका नाम है, इसका नाम है ध्यान। अभी आपको कल ओम शांति।